वेलकम टू रेड टेक् चैनल तो आज हम रेडियोग्राफी में मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम 25 फाइव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी से रिलेटेड सो लेट्स बिक गैन क्वेश्चन नंबर वन विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन इन ह्यूमन बॉडी तो कौन सी ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती मूवमेंट नहीं करती ह्यूमन बॉडी में वो हमें बतानी है ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइड बोन ऑप्शन नंबर बी है हमारा फीमर ऑप्शन नंबर सी है हमारा पटेला ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोक्सिक्स तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड हाइड बोन जो है बेसिकली वो हमारी एक ऐसी एक इकलौती बोन है ह्यूमन बॉडी की जो किसी भी और बोन के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती ये हमारी जो है नेक में बेसिकली लोकेटेड होती है ये अटैचमेंट होती है मसल्स के साथ जो भी हमारी मसल स्वेलोइंग और स्पीच में काम में आती है तो उनके साथ अटैचमेंट होती है तो हाइडबोन इसका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर टू द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैक्सिंग दम एट एल्बो जॉइंट आर कलेक्टिवली एज तो कौन सी मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लैक्सिंग के लिए फोर की फ्लैक्सिंग के लिए एट दी एल्बो जॉइंट से कलेक्टिवली वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसर ऑप्शन नंबर बी स्पाइनेटर ऑप्शन नंबर सी फ्लैक्सर या ऑप्शन नंबर डी प्रोनेटर तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लैक्सर फ्लैक्सर मसल हमारी जो है वो फोराम में होती है सच एज बाइसेप्स ब्रैकई ब्रैकिस और ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फोराम की फ्लैक्सिंग में एट द एल्पो जॉइंट तो हमारा फ्लैक्सर आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स तो कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंसिंग के लिए यानी कि संतुलन के लिए और जो हमारी मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट उसको डायरेक्शन देने के लिए कौन सा हमारा जो है ब्रेन का पार्ट रिस्पांसिबल होता है ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लोंगाटा ऑप्शन नंबर सी थैलेमस ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरिबेलम सेरिबेलम जो है वो काफी क्रूशियल जो है रोल प्ले करता है जो भी हमारी वॉलन्ट्री मूवमेंट होती है बॉडी की उसको करने में वॉल्ट्री मूवमेंट का मतलब होता है जो आप जो कंट्रोल कर सकते हैं जिन मूवमेंट्स को वो हमारी जो है किसके द्वारा रोल प्ले किया जाता है सैरी बैलम के द्वारा जिससे हमारा जो है बैलेंस मेंटेन होता है और बेसिकली फाइन टर्निंग मोटर एक्टिविटीज़ होती है जो बाकी अदर एक्टिविटीज़ है वो भी इससे जो है वो कंट्रोल होती हैं तो सैरी बैलम इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर विच वेसल कैरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट तो कौन सी वेसल जो है हमारी वो ऑक्सिजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स से हार्ट तक तो वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी आर्टरी ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी वेन ऑप्शन नंबर सी आयोटा या ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर वेना कावा तो ऑक्सिजनेटेड ब्लड हमारा जो है लंग्स से हार्ट की तरफ ले जाती है वो कौन सी हमारी होती है वैसल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स से बैक टू लेफ्ट आर्ट्रम ऑफ दी हार्ट ये हमारा जो है एक्सेप्शनल केस होता है आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव विच स्ट्रक्चर सर्व एज द प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज इन दी लंग्स तो कौन सा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी साइट है यानी कि पहली ऐसी साइट है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है लंग्स में तो प्राइमरी यानी कि शुरुआती भी कह सकते हैं तो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट पार्ट का कौन सा है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है लंग्स में ऑप्शन नंबर ए हमारे ब्रोंकाई ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिया ऑप्शन नंबर सी एलवलाई या ऑप्शन नंबर डी ब्रोंकिल्स तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी एलविलाईट एलविलाईट जो है टाइनी एयर सेक्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे छिद्र कह सकते हैं लंग्स में जहाँ से हमारी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेक प्लेस होती है एयर और ब्लड में जो भी हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में क्रिटिकल या बेसिकली मेन रोल प्ले होता है एलविलाई का क्वेश्चन नंबर सिक्स विच एंजाइम ब्रेक डाउन लिपिड्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन तो कौन सा एंजाइम लिपिड्स को बेसिकली तोड़ता है ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए एम ऑप्शन नंबर बी लाइपेस ऑप्शन नंबर सी प्रोटीज या ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी लाइपेस लाइपेस जो है वह एंजाइम होता है जो ब्रेकिंग डाउन करता है लिपिड्स को यानी कि जो भी फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड में और ग्लेसरॉल में जो जो कि ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्ट टाइम में तो ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन विच ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल इन दी बॉडी तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी में मेंटेन करता है बेसिकली ऑप्शन नंबर थायराइड ग्लैंड ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल ग्लैंड या ऑप्शन नंबर डी पैनिक्रियाज तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए थायराइड थायराइड ग्लैंड जो है वो हॉर्मोन जो है रिलीज करता है प्रोड्यूस करता है जो कि मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बॉडी में तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट दी तो कौन सा स्ट्रक्चर को यूटरस से जोड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए फेलोपियन ट्यूब ऑप्शन नंबर बी ओवेरियन लिगामेंट या ऑप्शन नंबर सी यूटराइन ट्यूब या ऑप्शन नंबर डी ब्रॉड लिगामेंट तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ओवेरियन लिगामेंट ओवेरियन लिगामेंट बेसिकली ओवरी से अटैच होता है यूट्रस तक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो भी जो कि बेसिकली कनेक्ट करता है ओवेरीज को यूट्रस से इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन नंबर नाइन विच पार्ट ऑफ दी नेफ्रोन इज रिस्पांसिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन दी किडनी तो नेफ्रोन का कौन सा पार्ट जो है ब्लड की फिल्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैप्सूल ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लोमरलस या ऑप्शन नंबर डी लूप ऑफ हैंडली तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्लोमरलस ग्लोमरलस बेसिकली एक नेटवर्क होता है कैपलेरीज का विद इन दी बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल के अंदर होता है जिस जो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करता है और इनिशियली यूरिन को फॉर्म करता है बनाता है और बेसिकली फॉर्म करता है तो सी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टेन वट इज़ दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स इन दी लिम्फेटिक सिस्टम तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है ये हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रोड्यूस लिम्फोसाइड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टोर एक्सेस लिम्फ ऑप्शन नंबर सी फिल्टर लिम्फ ऑप्शन नंबर डी जनरेट लिम्फेटिक वेसल्स तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिल्टर लिम्फ लिम्फ नोड्स बेसिकली फिल्टर करते हैं लिम्फ फ्लूड को जो कि पैथोजेंस को रिमूव करते हैं और कोई भी फॉरन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं वाइल आल्सो प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस और स्टोर करते हैं लिम्फोसाइट्स को भी तो सी इसका राइट आंसर है हमारा फिल्टर लिम्फ क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज द फंक्शन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड इन स्किन तो सीबेसियस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है ये हमें बताना है आपको नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रोड्यूस स्वेट ऑप्शन नंबर बी हमारा सीक्रेट ऑयल फॉर स्क्रीन लिब्रिकेशन या ऑप्शन नंबर सी जनरेट मेलानिन फॉर पिगमेंटेशन या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सीक्रेट ऑयल फॉर स्क्रीन लुब्रिकेशन जो सबेसिस ग्लैंड है वो हमारा सीबम रिलीज करता है प्रोड्यूस करता है एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो स्किन और हेयर को बेसिकली लुब्रिकेट करते हैं और ड्राई आउट होने से बेसिकली सूखने से उसको बचाते हैं तो सीबेसिस ग्लैंड इसका बेसिकली क्या काम है ऑयल को सेक्रेट करना और स्क्रीन को स्किन को बेसिकली लुब्रिकेट करना ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द ज्वाइंट बिटवीन द स्कल एंड द वर्टिबरल कॉलम इज नोन एज तो स्कल और वर्टिब्रल कोलम के बीच के जॉइंट को हम क्या कहेंगे वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए ग्लैनो हुमरल जॉइंट ऑप्शन नंबर बी एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट ऑप्शन नंबर सी सैक्रो इलियक जॉइंट या ऑप्शन नंबर डी कोएक्सल जॉइंट तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो स्कल की जो निचली बोन होती है सबसे जो वर्टिब्रा के पास होती है वह हमारी ऑक्सीपिटल होती है और जो हमारी वर्टिब्रा में फर्स्ट जो कह सकते हैं वर्टिब्रा वो हमारी एटलस होती है तो इसलिए एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहलाता है जो हमारा एटलस और फर्स्ट वर्टिब्र सर्वाइकल वर्टिब्रा में आर्टिकुलेट होता है यानी कि घूमता है जो हमारी एटलस है वो हमारे ऑक्सीपिटल जो बोन है उसमें जॉइंट करती है और आर्टिकुलेट करती है उसी के हाफ पे या उसी की मदद से हम हमारी जो है गर्दन वो मूवमेंट कर पाती है तो हमें धारण रखने की आवश्यकता है क्वेश्चन नंबर इज़ फॉर एबडक्शन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट तो कौन सी हमारी जो मसल है वो हमारी एबडक्शन ऑफ आर्म यानी कि आर्म की एबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अब इसमें एबड नाम एड है तो मैं जैसे मैंने आपको मूवमेंट्स की आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया था आपको एडक्शन का मतलब होता है ऐड करना और एबडक्शन हमारा दूर करना बॉडी से दूर करना तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डेल्टोइड ऑप्शन नंबर बी हमारा पेक्टोरलिस मेजर ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटिसमस डोरसाई या ऑप्शन नंबर डी हमारा टेरिस मेजर तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए डेल्टोड डेल्टोइड मसल जो है प्राइमरी प्राइमरी मसल है बेसिकली बेसिक मसल है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एबडक्शन ऑफ द आर्म एट दी शोल्डर जॉइंट आर्म की जो एबडक्शन करने में सहायक होती है डेल्टोड बेसिकली मसल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सान परस्पेक्टिव से और डेल्टोड जो मसल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल है आपको एग्जाम में बेसिकली काफी बार देखा गया है ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। द माइलिन शीट इज फॉर्म डवाई जो मेलिन शीट है वो किसकी बनी होती है वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा माइक्रोग्लिया ऑप्शन नंबर बी हमारा श्वान सेल्स ऑप्शन नंबर सी हमारा एस्ट्रोसाइट्स ऑप्शन नंबर डी हमारा ओलिगो तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी श्वान सेल श्वान सेल जो है वो पेरीफेल नर्वस सिस्टम में होते हैं जो मेलिन शीट को फॉर्म करते हैं और इंसुलेटिंग करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एग्जोन को एग्जोन्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं तो किसकी बनी होती है शीट? श्वान सेल की क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच चेंबर ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन तो हार्ट का कौन सा चैम्बर हार्ट को पंप करता है पल्मनरी सर्कुलेशन के लिए वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा लेफ्ट एट्रियम ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट एट्रियम ऑप्शन नंबर सी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट वेंट्रिकल तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल बेसिकली पंप करता है ब्लड को टू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन जहां पर उसको ऑक्सीजन रिसीव होता है कमेंट कीजिएगा अगर आपको जो है हार्ट सर्कुलेशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एज सुन एज पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा इफ़ यू नीड प्लीज कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन व्हाट स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग दी ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली ट्रैकिया में खाना जाने ट्रैकिया में खाना जाने से बेसिकली बचाता है प्रिवेंट करता है सटकने के दौरान वो हमें बताना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए हमारा एपिग्लोटिस ऑप्शन नंबर बी हमारा व्यूला ऑप्शन नंबर सी हमारा वोकल कोर्ट्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस जो है फ्लैप लैक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैकिया को कवर करता है और बचाता है बेसिकली सटकने के दौरान जो कि खाना जो है वो ट्रैकिया में ना चला जाए और बेसिकली एयर वे में एंटर ना हो जाए जिससे जो है बॉडी की डेथ भी हो तो ट्रैकिया में जाने से क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन व्हाट स्ट्रक्चर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया बेसिकली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किसके लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो अपने जो सरफेस एरिया उसको बढ़ा देता है ऑप्शन नंबर ए हमारा विली ऑप्शन नंबर बी हमारा रोग ऑप्शन नंबर सी हमारा प्लेसे सर्कुलरी ऑप्शन नंबर डी हमारा माइक्रो माइक्रोविली तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो माइक्रोविली जो है टाइनी प्रोजेक्शन होती है सरफेस पे इंटेस्टाइन की उस पर बेसिकली जो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती है जब न्यूट्रिएंट्स की आब्जॉर्बन होती है तो डी इसका राइट आंसर है माइक्रोविलई क्वेश्चन नंबर 18 विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल तो कौन सा हमारा जो हार्मोन है ब्लड और कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा इंसुलिन ऑप्शन नंबर बी हमारा पैराथाइरइड हार्मोन ऑप्शन नंबर सी हमारा थायरोक्सिन ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोर्टिसोल तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन पैराथायरमोन हार्मोन बेसिकली रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय स्ट्यूम रिलीज ऑफ कैल्शियम कैल्शियम को रिलीज करके किससे बोन से रिलीज करके और जिससे इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम एब्जॉर्ब इन दी इंटेस्टाइन तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पैराथायर हार्मोन क्वेश्चन नंबर द साइट ऑफ़ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ दी तो कौन सी साइट होती है फ़र्टिलाइजेशन की फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हमें बतानी है ऑप्शन नंबर ए हमारा यूटरस ऑप्शन नंबर बी हमारा फेलोपियन ट्यूब ऑप्शन नंबर सी हमारा ओवेरी या ऑप्शन नंबर डी हमारा वेजाइना तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में बेसिकली टिपिकली जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पर एग मीट्स करता है स्पम्प के साथ तो ये इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन तो फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की जो यूरिन फॉर्मेशन में काम में आती है वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए हमारा नेफ्रोम ऑप्शन नंबर बी हमारा रीनल कॉर्पसल ऑप्शन नंबर सी हमारा रीनल पेल्विस ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लोमरलस तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन रेफ्रोन जो है बेसिकली फंक्शनल यूनिट होता है किडनी की जो यूरिन फॉर्मेशन में काम में आता है बेसिकली जो फिल्टर आउट करता है ब्लड को और यूरिन को बनाता है फॉर्म करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच लिम्फेटिक ऑर्गन फिल्टर ब्लड एंड रिमूव डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड स्टोर प्लेटलेट्स तो कौन सा हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करता है और जो डैमेज है रेड ब्लड सेल्स उनको रिमूव करता है हटाता है और प्लेटलेट्स को बेसिकली स्टोर करता है ऑप्शन नंबर ए हमारा टॉन्सिल्स ऑप्शन नंबर बी हमारा स्प्लीन ऑप्शन नंबर सी हमारा थाइमस या ऑप्शन नंबर डी हमारा लिम्फ नोड्स तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन स्प्लीन जो है ब्लड को फिल्टर भी करता है और रिमूव करता है ओल्ड सेल्स को जैसे कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स को भी स्टोर करता है तो आपको ध्यान रखना है स्प्लिन जो है काफी इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एक ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर तो एक्राइन ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसिंग सीबम ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर रेगुलेशन थ्रो स्वेट ऑप्शन नंबर सी हेयर फॉलिकल स्टिमुलेशन या ऑप्शन नंबर डी मेलानिन प्रोडक्शन तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर रेगुलेशन थ्रू स्वेट जो है हमारा पसीना है उसके द्वारा टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है बेसिकली एक्राइड ग्लैंड जो भी बॉडी में बेसिकली टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है बाय बायोप्रेटिंग कूलिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सल स्केलेटन तो आपको वह बोन बतानी है जो एक्जेल स्केलेटन में नहीं आती ऑप्शन नंबर ए हमारा स्केपुला ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टर्नम ऑप्शन नंबर सी हमारा स्कल या ऑप्शन नंबर डी हमारा सैक्रम तो एक्जेल जो स्केलेटन होता है वो आपको याद करके वो आपको बेसिकली याद करने के लिए एक आसान तरीका है कि जो एक्जेल है यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है जो आपके बॉडी के सेंटर में जितने भी बोन्स हैं वो आपकी एक्जेल स्केलेटन में आती हैं उसके अलावा जो बोन्स है वो हमारी नहीं आती तो आपको इसमें से राइट right आंसर निकालना है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है स्केपुला जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो है हिस्सा होता है वो एक्सल स्केलेटन का हिस्सा नहीं होता तो जो आपका सेंटर ऑफ द बॉडी में जितनी भी बोन्स अवेलेबल है वो हमारी एक्सल स्केलेटन में आती है और बाकी अदर जो है वो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट इज द तो कौन सी मसल जो है वो हमारी एक्सटेंशन लेग के एक्सटेंशन में बेसिकली सहायक होती है रिस्पॉन्सिबल होती है नी जॉइंट के पास से वो हमें बतानी है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ऑप्शन नंबर बी हमारा हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑप्शन नंबर सी हमारा गेस्ट्रोसनेस ऑप्शन नंबर डी हमारा टीबियालिस एंटीरियर तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस क्वाड्रिस फेमोरिस जो है वो एक मसल्स होती है जो लेग की एक्सटेंशन होने में सहायक होती है नी जॉइंट के पास से तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्लीप एंड वेक साइकिल तो कौन सा हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वो हमारे सोने और जागने के साइकिल को रिस्पॉन्सिबल करता है मेंटेन रेगुलेट करता है ऑप्शन नंबर ए हमारा सैरीबेलम ऑप्शन नंबर बी हमारा हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर सी हमारा ओब्लोंगाटा ऑप्शन नंबर डी हमारा पीनियल ग्लैंड तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी पीनियल पीनियल ग्लैंड ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करता है जो हॉर्मोन होता है जो हमारे सोने और जागने की साइकिल्स को बेसिकली रेगुलेट करता है तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी पीनियल ग्लैंड तो ये थे हमारे 25 एमसीक्यू क्वेश्चन On, on the anatomy, I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. Jahin Jabharat.